बच्चों के टॉयस और एक्टिविटीज इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चे के उस पर्टिकुलर पीरियड की डेवलपमेंटल माइलस्टोन को अचीव करने में बच्चे को हेल्प मिले। और इसीलिए हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर वीक बाय वीक हम बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन के हिसाब से आपको ऐसी एक्टिविटीज और टॉयस बताएंगे जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ बच्चे की माइलस्टोन्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगी। सो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू इंडियन बेबीज अनबॉक्स्ड। 1 week old baby का डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो हम एक सेपरेट वीडियो में बता चुके हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। और उन्हीं माइलस्टोन्स के बेसिस पे मैं आपको बताने वाली हूँ 5 एक्टिविटीज जो आपको बच्चे को करानी है। मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है कि बच्चे की सेंस ऑर्गन्स किस तरीके से डेवलप होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे की विजन के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि बच्चे की विजन जो होती है वो 8 to 12 inches तक ही रेस्ट्रिक्टेड होती है, उसके आगे वो देख नहीं सकता। और दूसरा, बच्चा सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स को या ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। तो आप बच्चे को इस तरीके के ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स दिखा सकते हैं। ये पैटर्न्स आप कोई भी दूसरा और पैटर्न यूज कर सकते हैं, या आप बच्चे को इस तरीके की ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें जिससे कि बच्चा फोकस करना शुरू करे, उसकी आई साइट स्टिमुलेट हो। ऐसे पैटर्न्स आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे, या फिर जो न्यूबॉर्न्स की सेंसरी स्टिमुलेशन किट होती है उसके अंदर ये पूरा सेट आता है। हमने भी हंग्री ब्रेन का स्टिमुलेशन किट यूज़ किया था, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इस तरीके से आप विजन स्टिमुलेट करें। दूसरा तरीका विजन स्टिमुलेट करने का, कि मान लीजिए बच्चा लेटा हुआ है और आप बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो अपने फेस को बच्चे के आसपास साइड टू साइड इस तरीके से घुमाएं, ऐसे, जिससे क्या होगा, बच्चे की आईज का मूवमेंट होना शुरू होगा, बच्चे के आईबॉल्स रोटेट होना शुरू होगी, तो बच्चा एक जगह फोकस करना सीखेगा अपने दोनों आईबॉल्स से। यूजुअली बच्चे फोकस करना धीरे धीरे सीखते हैं, तो ये बच्चे का फोकस करने की एबिलिटी को बढ़ाएगा। दूसरा है बच्चे की हियरिंग एबिलिटी को स्टिमुलेट करने का। तो इसके लिए आप बच्चे के पास में बैठ के उनको सॉन्ग सिंग करें। यूजुअली बच्चे सॉफ्ट वॉइसेस और रिदमिक वॉइसेस को प्रेफर करते हैं, और स्पेशली फीमेल वॉइसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए स्पेशली जो मदर हैं वो बच्चे को सॉन्ग सुनाएं, चाहे वो आप लोरी सुनाना चाहते हो या बच्चे को कोई राइम सुना रहे हो, ये आपकी प्रेफरेंस है, जिससे बच्चे की हियरिंग स्टिमुलेट हो। नेक्स्ट हमें काम करना है बच्चे की स्मेलिंग एबिलिटी के ऊपर और बच्चे के टच फील करने की जो एबिलिटी है उसके ऊपर। इसके लिए आप सबसे पहली बात ये करें कि बच्चे को मोर ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दें, जिससे एक तो बच्चा पेरेंट्स की स्मेल को बहुत अच्छे से रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है, फेमिलियर हो जाता है और अपने आप को सेफ फील करना शुरू करता है। और दूसरा, जब आप स्किन टू स्किन बॉन्डिंग करते हैं बच्चे के साथ, जो टच को फील करने की एबिलिटी है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है, वो डेवलप होगी। दूसरा तरीका बच्चे के अंदर सेंसरी एबिलिटी को बढ़ाने का है, आप रोज उसे मसाज दें। मसाज करने से एक बहुत ही अलग तरीके का बॉन्डिंग एक्सपीरियंस होता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, और बच्चे की भी जो सेंसरी स्टिमुलेशन है, टच को फील करने की एबिलिटी है, वो डेवलप होती है। हमें काम करना है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को डे 1 से ही टमी टाइम दें। टमी टाइम का मतलब है बच्चे को पेट के बल लेटाना। लेकिन चूंकि बच्चे के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अभी उसकी नेक कंट्रोल में नहीं होती, प्लस उनकी स्पाइन यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं होती, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि डे 1 पे सिर्फ 20 से 30 सेकेंड तक का टमी टाइम दें। ग्रेजुअली इसको हम ग्रो करेंगे, और इसके ऊपर भी मैं सेपरेटली आपको बताऊंगी कि टमी टाइम पे आप कैसी एक्टिविटीज करा सकते हैं और टमी टाइम से बच्चे की नेक को कैसे स्टेबिलिटी दी जा सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि डे 1 से बच्चे को टमी टाइम जरूर दें, चाहे वो 10 सेकेंड हो चाहे 20 सेकेंड हो, मैक्स टू मैक्स आप 30 सेकेंड दें, इससे ज़्यादा बच्चे को टमी टाइम ना दें इस स्टेज के ऊपर। इस तरीके से रोज बच्चे को टमी टाइम देने से उनकी जो कोर मसल्स है, कोर मसल्स का मतलब जो शोल्डर से लेके उनके एब्डोमेन के ऊपर तक का जो एरिया है, वहाँ की जो मसल्स है उनका डेवलपमेंट होता है, और धीरे धीरे बच्चे की जो हड्डियाँ हैं स्पेशली नेक और स्पाइनल कॉर्ड की, वो मजबूत होना शुरू हो जाती हैं।
तो 1 वीक ओल्ड बेबी के लिए है ये 5 एक्टिविटीज, इसे आप बच्चे को कराइए और बच्चे को एंगेज भी कर सकते हैं जब वो अलर्ट रहता है, और साथ ही साथ जो बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन होना चाहिए इस वीक के अंदर वो भी जल्दी अचीव होता है। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे लाइक बटन को हिट करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ा कोई भी अपडेट मिस नहीं करना है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें। हम आपसे मिलते रहेंगे इस सीरीज के अंदर और ऐसी एक्टिविटीज को लेके। Till then, take care and have a happy parenting. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।